सब्सक्राइब करें बालियन किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी को किस चीज़ का भोग लगाते हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी को लगाते हैं तिल के से बने हुए मिठाई या फिर लड्डू का भोग। आप काले तिल या वाइट तिल, दोनों में से किसी भी तिल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वाइट तिल से बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने एक बाउल तिल लिए हैं वाइट तिल, इनको भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने घी यूज़ नहीं किया है, ऐसे ड्राई रोस्ट किया है। तिल को प्लेट में निकाल के रख दिया ताकि ठंडे हो जाए। और अब मैंने एक पैन में घी डाल दिया है थोड़ा सा, और इसमें मैंने खोआ डाला है। मेरे पास खोआ रखा था, तो मैं ये जो लड्डू हैं खोए के साथ बनाने वाली हूँ। तो खोए को भून लेंगे। इसे खोए को जब भून के डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है लड्डू का। और तिल जो है हमारे ठंडे हो गए हैं, तब तक खोए को भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और ये भी ठंडा हो गया है। और तिल को जो है मैंने मिक्सी में पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका, बस थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है, और ये मैंने डाल दिया है बूरा, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं बारीक कटे हुए। इनको मिक्स कर लेंगे। और तिल के लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप बड़े छोटे जिस भी साइज़ के आपको पसंद है आप उस साइज़ के बना सकते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं लड्डू। और ये देखिए हमारी माता रानी का भोग जो है रेडी हो गया है।